For latest videos of Radio Udaan, do subscribe our YouTube channel and press the bell button. Hello, Namaskar, Adab, Sasriya Kal to all my listeners, mere yani RJ Mishti ki taraf se, and welcome to our show, Kahani Love Zonki, only on Radio Udaan, a flight of life. इंसान का चेहरा उसके दिल का आईना होता है। जो दिल में है वो चेहरे पर नुमाया हुए बगैर नहीं रह पाता। और अगर उस चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो कहना ही क्या। किसी ने खूब कहा है, मुस्कुराहट चेहरे का नूर है। कभी कभी इंसान का दर्द भी मुस्कुराहट बनकर चेहरे पर आ जाता है, और कभी यही मुस्कुराहट किसी की खुशी की वजह बन जाती है। एक बच्चे की मुस्कुराहट हमारी सारी चिंताओं को कुछ पलों के लिए दूर कर देती है, और एक आशिक के लिए उसके महबूब की मुस्कान क्या होती है, इसका एहसास तो सिर्फ उन दोनों को ही हो सकता है। अब तक तो आप समझ चुके होंगे, आज का जो लफ्ज है, जो शब्द है, वो है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। जीवन में मुस्कान का बड़ा महत्व है। यह आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है। किसी भी परेशानी में एक दोस्त की तरह हाथ बढ़ाती है। सच्ची मुस्कान हमेशा दूसरों में दोस्ती की भावना पैदा करती है। अपनों की मुस्कुराहट मनुष्य के खराब मूड को भी अच्छा बना देती है। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गाना मुस्कुराहट पे, सुन मेरे हमसफर। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगी बस वही उम्र भर, रहूंगी बस वही में पड़ी थी, कैसे जी रही थी यूं दीवानी। चुपके से आके तूने दिल में बसा के तूने छेड़ दिया, कैसा ये फसाना। सिलसिला है, ये बहुत ही खूबसूरत है। सदा मुस्कुराने वाला तो सबके लिए प्रिय होता है। सच मानो तो जीवन में आने वाली हर कठिनाई का हमने मुस्कुराकर ही सामना करना चाहिए। न्यूयॉर्क के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉनथन स्विफ्ट इस बात को बड़े ही दिलचस्प ढंग से समझाते हैं कि दुनिया में तीन सबसे बड़े डॉक्टर हैं। पहला
संतुलित आहार, दूसरा शांति और तीसरा आपकी मुस्कान। अनुसंधान से स्पष्ट हो चुका है कि हंसी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जितना कि भोजन। यह सबसे बड़ी दवा है क्योंकि यह मानसिक तनाव दूर करती है और मानवीय संबंधों को सुखद बनाकर आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को सफल बनाती है। मुस्कान में वह जादू है जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देती है। आपकी एक सच्ची मुस्कान लोगों को आकर्षित करती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिल से किसी के लिए ये दुआ निकलती है कि उनकी मुस्कुरान से, उसके मुन की मुस्कुराहट से हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गाना, यूं तेरा मुस्कुराना और आके चला जाना, किस्मत का है नजराना। यूं तेरा मुस्कुराना और आके चले जाना, यूं तेरा मुस्कुराना और आके चले जाना, किस्मत का है कुल गाना। तेरा दीदार हुआ पहला सा प्यार हुआ, पहली ही बार हुआ इस दिल को इनकार हुआ, ना ही इकरार हुआ, जाने क्या यार हुआ इस दिल को। यूं तेरा मुस्कुराना और लाके चले जाना, किस्मत का है खुल जाना। तेरा दीदार हुआ पहला सा प्यार हुआ, पहली ही बार हुआ इस दिल को, ना तो इनकार हुआ ना ही इकरार हुआ, जाने क्या यार हुआ इस दिल को। बार हुआ इस दिल को, ना तो इनकार हुआ ना ही इकरार हुआ, जाने क्या यार हुआ इस दिल को।
प्यार हुआ पहली ही बार हुआ इस दिल को, ना तो इनकार हुआ ना ही इकरार हुआ, जाने क्या यार हुआ इस दिल को। क्यों तेरा मुस्कुराना और आके चले जाना, क्यों तेरा मुस्कुराना और आके चले जाना, किस्मत का है खुल जाना। तेरा दीदार हुआ पहला सा प्यार हुआ पहली ही बार हुआ इस दिल को, ना तो इनकार हुआ ना ही इकरार हुआ, जाने क्या यार हुआ इस दिल को। जब मिलता है कोई अजीज तो जो मुस्कुराहट दिल में होती है वो बयां नहीं की जा सकती। अपने किसी प्रिय दोस्त या रिश्तेदार के मिलने पर हमें बेहद खुशी होती है और उसके साथ अपने अनुभव बांटते वक्त हंसी ठहाके लगाना हमारे लिए एक आम बात बन जाती है। उस वक्त हम अपने तनावों को भूल जाते हैं और दो पल मुस्कुरा लेते हैं। यह हंसी कोई बनावटी नहीं बल्कि दिल से निकली हंसी होती है जो हम असीम सुख देती है। रात दिन दौड़ती भागती जिंदगी में शाम को जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं और सब कुछ भूलकर उन्हीं में रम जाते हैं, तब मुस्कुराहट अपना जादू बिखेरती हुई सभी को हंसाती है। अधिकांश कामकाजी लोगों के लिए परिवार के साथ हंसने का बहाना चाहिए होता है। उनके लिए वे फुर्सत के क्षण तनाव रहित जिंदगी से निजात पाने का एक अच्छा मौका है। उस मौके को वे गंवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद तो अगले दिन से उन्हें अपने रोजमर्रा के कामकाजों में जुटना ही है। कोई 100 आभूषण पहने हो लेकिन चेहरे पर कोई मुस्कान ना हो तो उसके आभूषण की चमक भी फीकी सी लगती है। वहीं कोई बिना किसी आभूषण के चेहरे पर मुस्कान लिए हो तो उसकी चमक 100 गुना बढ़ जाती है। किसी ने सच ही कहा है कि मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कान ही आपके चेहरे का वास्तविक कहना है और यह इतना शक्तिशाली कहना है कि कोई आपसे इसे छीन नहीं सकता। चलिए इसी बात पर सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना, मुस्कुराओ कि जी नहीं लगता। नहीं लगता
सफर है बहुत ही खूबसूरत और सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत से गाने बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हे, क्या तुम मसूरी जाना चाहते हो? मसूरी कौन घूमना नहीं चाहता, पर मसूरी इतना एक्सपेंसिव है, आई कैन नॉट इवन थिंक टू अफोर्ड इट। नो मैन, अब नहीं, अब तुम मसूरी जा सकते हो सिर्फ 2,999 रुपीस में। 3 night 4 days का ट्रिप, स्टे इन 4-star होटल इंक्लूडिंग ऑल मील्स एंड लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज। क्या मजाक करने के लिए मैं ही मिला क्या? इतने पैसों में आपको कौन लेके जाएगा मसूरी? राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स। क्या तुम नहीं जानते राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स के बारे में? हर 3 महीने में ये एक ट्रिप लेकर आते हैं स्पेशली विजुअली इम्पैक्ट पर्सन के लिए। जयपुर ऋषिकेश और जिम कॉर्बेट के बाद अब 1 अगस्त को ट्रिप जा रहा है मसूरी के लिए। वाओ, फिर तो मैं आज ही बैग पैक करता हूँ। मुझे जल्दी बता दीजिए इस ट्रिप में जाने के लिए मुझे किससे कांटेक्ट करना होगा? जी हाँ, आप भी कर लीजिए अपने बैग पैक। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें मिस्टर हिमांशु 8527118161 या फिर 0111-4701-1111 पर। माई सन इज 23 years old. He just graduated. Pata hai aapko? He has never really enjoyed his school picnics or family outings. Hum saath to chalte hain, lekin he has never experienced a regular holiday. The things you and me do, see, jaise playing in the sea, exploring new places, it's always been a half experience for him. Bas gaye aur aa gaye. कुछ खास नहीं किया। कई बार तो मैं बहुत डरी हुई भी रहती हूं कि विल देयर बी एनीबॉडी टू हेल्प हिम एट एवरी स्टेज इन हिज लाइफ। इट्स टाइम फॉर अ चेंज। आई नॉमिनेटेड माय सन फॉर एनेबल ट्रैवल 70 ट्रिप्स टू फ्रीडम। अब वो अपनी पहली रियल हॉलिडे पर जाएगा एंड मे बी ही विल रीलिव ऑल दोज मेमोरीज ऑफ हिज लॉस्ट हॉलीडेज। Nominate your disabled friend or your disabled family member for Enable Travel's 70 Trips to Freedom. Send them on the best holiday of their life. फिल्मों की कहानियाँ होती है हमारी जिंदगी की तरह, जिनमें होता है एक्शन। ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इमोशंस। छोड़ मुझे भगवान के लिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। रोमांस। अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। कॉमेडी। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। और ढेर सारा म्यूजिक। ऐसे ही बहुत सारी फिल्मों की कहानियाँ हम आपको सुनाएंगे प्रोग्राम बायोस्कोप में हर शनिवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर रविवार दोपहर 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खोलती हैं किताबें और बनाती है आपकी जिंदगी को और भी खूबसूरत और हसीन। इन्हीं किताबों को आपकी जिंदगी का अटूट हिस्सा बनाने मैं आरजे निशा लेकर आ रही हूँ शो बुक वर्ड, जिसमें होंगी वो किताबें जिन्हें आप खुद पसंद करेंगे। इस शो को सुना ना भूलिए हर बुधवार रात 8 से 9 बजे तक और हर गुरुवार दोपहर 3 से 4। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radiouran.com। Keep listening Radio Uran। उफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा वक्त करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? उफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा। मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है,
अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं आप किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। टायर्ड ऑफ रीडिंग? Me RJ Nisha is here with the show Book Word, where I will explain your favorite novels, stuff with emotions, and will enlarge your world. So be with me every Wednesday 8 to 9 p.m. and rewebcast every Thursday 3 to 4 p.m. only on Radio Run, a flight of life. Radio Run is an only radio station which provides factual information. I am inspired by Radio Uran, and what about you? My name is Ajit Wadekar, former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also a social worker. Hey, Umesh Kulkarni, former Indian test cricketer. And aap sun rahe hai Radio Uran. A flight of life. मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। ये एड उस घाव जैसा है जो अचानक से आ जाता है, खास करके उनको जो मेरी तरह नेत्रहीन है। नमस्ते, मैं बिपिन और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सेवलॉन एंटीसेप्टिक अब ब्रेल बॉटल्स में आता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब म्यूजिक सुनिए। टू आवर शो कहानी लफ्जों की, मेरे यानी आरजे मिष्टी के साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मुस्कुराहट में वह जादू है कि इसके होठों पर आते ही तनाव रूठ कर चला जाता है। इसका जादू जल्दी ही आसपास मौजूद सभी लोगों पर छा जाता है और उदास चेहरे पर हंसी बनकर यह राज करने लगता है। इसी बात पर सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत गाना, मुस्कुराने की वजह तुम हो। तेरा मुस्कुराना फिर हंस के पास आना, मुझे अपना नाम बताना, फिर पल में गुम हो जाना। एहसास है अभी उस पहली बार का, कैसा ये नशा है तेरे प्यार का। तुम्हारे
खुशबू है, ये समंदर की लहरें तेरे हंसने की धुन है, दुनिया में बस तू है, तू पास है तो सांस है, खजाना है दिल के करार का, कैसा ये नशा है लगती है, दिन सुहाना अगर है तो तेरा नाम लेके तेरे प्यार से फिजा महकती है, आगे हशर क्या होगा अगर असर है ये एक दीदार का, कैसा ये नशा है तेरे है तेरे प्यार का, कैसा ये नशा है तेरे प्यार का, तेरे प्यार का, तेरे प्यार का। आजकल तनाव भरी इस उबाऊ जिंदगी में यदि दो पल मुस्कुराहट के मिल जाएं, तो जिंदगी में सुकून का तड़का लग जाता है और जिंदगी हसीन हो जाती है। हंसना हम सभी जानते हैं, पर हम उसकी वजह ढूंढते हैं। हंसने का भी भला कोई बहाना होता है? हंसना स्वास्थ्य और सुखी रहने का एक बढ़िया फंडा है, जिसने अपने इसे अपना लिया उसके लिए उदासी कोई शब्द है ही नहीं। इसलिए हमेशा हंसते रहो और हंसाते रहो। चलिए सुनते हैं एक और गाना, तेरा मुस्कुराना, फिल्म झनकार बीच से। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, पिया रे।
संग जाना, धूप आए तो छाओ तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, पिया रे। कोई उपकार नहीं, मुस्कुराने के केवल चिन्ह का जादू हमने देख रखा है, मुस्कुराने के लिए केवल मन की मौज ही काफी है, अनेक या बहुमूल्य वस्तुओं की अंबार की दरकार नहीं। आज के शो में फिलहाल इतना ही, मैं आरजे मिष्टी लेती हूँ आपसे विदा, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए लफ्ज की कहानी के साथ। और जाने से पहले अगर आपको मेरा शो पसंद आया तो आप इस शो की रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radiouran.com से। और अगर आप इस शो को फीडबैक देना चाहते हैं तो आप इस शो को फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radiouran.com पे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। सुहासी देव मलाई लय मुसुमु सुहासी देव जरा मुस्कुराते मुस्कुराते जरा मुस्कुराते ऐ खुशी गम बांट ले तू अपने हमसे तू ले हंसी हो गए हम अब तेरे तू हो गई अपनी ही मुसुमु सुहासी
देव मलाई लय मुसु मुसु हासी देव जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ए खुशी जवा दिल की राहों में जैसे खिलती है गली तेरे होठों पे बसी ऐसी हल्की सी हंसी जवा दिल की राहों में जैसे खिलती है गली तेरे होठों पे बसी ऐसी हल्की सी हंसी फिर क्यों छुप रही हो दिल की बातें तो बताओ गुमसुम सी ना रहो तुम अब जाना मुस्कुराओ हाँ मुस्कुहासी देव मलय लय मुस्कुहासी देव जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ए खुशी मुस्कुराते मुस्कुराते जरा मुस्कुराते ऐ खुशी माना हमसे हो गई एक छोटी सी खता हंस दो ना तुम जरा दो ना हमको तुम सजा माना हमसे हो गई एक छोटी सी खता हंस दो ना मुस्कुहासी देव जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ए खुशी मुस्कुहासी देव मलाय लाय मुस्कुहासी देव हे जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ए खुशी मुस्कुहासी देव मलाय लाय मुस्कुहासी देव मुस्कुहासी देव मलाय लाय मुस्कुहासी देव हे मुस्कुहासी देव मलाय लाय